आज सॉल्व कर रहे हैं आईएसएस 2023 का पेपर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं, सामने एग्जाम है तो फटाफट करेंगे। सो द टेक्निक द मेंबर्स ऑफ अ फार्म रेंट कार्स फ्रॉम 3 एजेंसी से ले रहा है 60% पहला एजेंसी, 30% दूसरा, 10% तीसरा, 9% ऐसे पूरा सिस्टम दिया हुआ है। और एजेंसी नीड एन ऑयल चेंज, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रेंटल कार डिलीवर्ड विथ एन ऑयल चेंज, तो 60% फ्रॉम A1 और उसका 9% चांस है, 30% A2 उसका 20% चांस है, 60, 30, 10, ठीक है, चांसेस है 9, इसका है 20, इसका है ऑयल चेंज का 6। सो ऑयल चेंज इज नीडेड टू द टोटल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल चेंज ओ सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवेन A1 by probability of A1, इसी का summation मतलब तीनों cases में अलग अलग से होगा। So 9 × 60 × 10⁴, 20 × 30 × 10⁴, 10 × 6 × 10⁴, सब ऐड करने से 1200, so 0.12 ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, y गिवन x इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर ऑफ y गिवन x। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, सो डायरेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको इसे डालना है। सो y गिवन x का जो दो वैल्यू है उसको यूनिफॉर्म में यहाँ पर हम लोग करेंगे। सो the normalized pattern 0,1 y given x is x uniform x minus 1 x plus 1, so that is e of e square of y given x, ठीक है, that is e of x minus x plus x by 2, ये सारा कटेगा, sorry x minus, so e of इसका सम x minus 1 plus x plus 1 by 2, ठीक है, so this is e of x that is directly equal to this formation of 0, so directly so e of 2x by 2, so e of x is only coming and that gives you the value itself. So answer to the question is a